प्राग में, और जो राजा की स्मारक है यहाँ पे अभी भी है भुज में, वो है छत्तीसगढ़ है, उनको संभाल के रखे पुराने पुराने फर्नीचर यहाँ पे। इसी सन 1865 में कुछ बनने का स्टार्ट हुआ था और 79 तक काम चला, 14-15 साल तक काम हुआ। बड़ा यूनिक आर्किटेक्चर ऑफ कच्छ, बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है यहाँ का। और भूकंप में हालांकि थोड़ा ध्वस्त हो गया था, बट रिस्टोरेशन काम चालू है और उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए कोशिश जारी है। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उसके बाद, अब मेरे पीछे से देख सकते हो। प्रागमल जी तीसरे, जो जिनके देहांत अभी 2021 में हुई थी। तो ये देखो, ये इनकी यहाँ पे देखो, ये आपको बर्ड्स या एनिमल्स वगैरह की कोतरनी नहीं यहाँ पे मिलेगी, कोतरनी मतलब आर्ट मिलेगी। ये पूरी रेहान भाई ने हम लोग को बताया हम लोग को कि ये पूरी कचहरी है, यहाँ पे बैठक होती थी राजा की, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ तो यहाँ पे राजा आते थे और उसका सॉल्यूशन यहाँ से मिलता था। ऐसा ये वो जगह है। रेहान भाई थैंक यू सो मच। और आप कितने टाइम से काम करते हो यहाँ पे? मेरे को अभी 5 दिन हुआ। 5 दिन हुआ, 5 दिन हुआ है, बट ये ऑब्वियसली उनको सब पता रहता है क्योंकि ये है यहाँ के ही, भूज के ही है। एकदम पाताल तक है। अच्छा, अच्छा थैंक यू सो मच रेहान भाई। रेहान भाई ने हम लोग को बताया जैसे कि इसका इसके जो पाया जो होता है ना बेस, वो एकदम अंदर तक है, और ये इटालियन आर्किटेक्चर है। ये राजा प्रागमल जी राजा दो ने अपने समय में वहाँ से आर्किटेक्चर मंगवाए थे, कॉर्नियल समथिंग कुछ नाम है, और 1856 में इसका काम चालू हुआ था। अमेजिंग वंडर है ये आर्किटेक्चर के हिसाब से कच्छ का। ये देखोगे ये रानी के वस्त्र है जो पुराने ज़माने में पहनते थे, और ये सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये पहले के ज़माने में उनका धड़ रखते थे राजा, शिकार कर आते थे कोई शेर का या टाइगर का, तो यहाँ पे धड़ रखते। ये असली है, अभी तो बहुत साल हो गए, बट उसकी जो चमड़ी है वो असली है, उसके अंदर भर के रखा हुआ है क्योंकि लोग देख सकते हैं हमारे जैसे। तो ये देखिए दांत वगैरह आप देखोगे ना आपको पूरा मिलेगा। सबको दिखाता हूँ और चीज़ें यहाँ पे। तो ये देखिए शेर के दांत। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें मॉडिफाई की हुई, मतलब थोड़े प्रिजर्व करके रखी है, कुछ चीज़ें नकली भी होगी शायद, बट ये बाहर की चमड़ी दिख रही है वो ओरिजिनल है सबको दिखाने के लिए। और पहले के राजा वो लोग आधा धड़ लेके आते थे रखने के लिए। सो ये देखिए प्राचीन टाइम के यहाँ पे जो कच्छ के सिक्के थे, जो चलन थे, अदियो पायलो ढाबू ढिंगलो ये पढ़ सकते हो यहाँ पे। और ये राजा की पगड़ी और ये उनके वस्त्र, ये ऊपर देखिए आप। यहाँ से पूरा महल दिखता है, पूरा का पूरा बैठक राजा की दिखती है। ये राजा की जो रथ यात्रा निकलती थी, राजा खुद वहाँ पे हाथी में विराजमान होके जाते थे, और उसके पीछे बड़े जो नागपंचमी की सवारी, और वो जाते थे वहाँ पे सावन महीने में, तो तब राजा तो हाथी पे जाते थे, बट यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो उनके उनके दरबार में काम करते वो पालकी में जाते थे। अर्थक्वेक में हम लोग ने रिनोवेट हुआ ये प्राग महल, बाकी अभी भी बाकी है, बट ये भूकंप के पहले जो अर्थक्वेक पहले ऐसा दिखता था प्राग महल। जयंती भाई यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, बोले हम लोग को कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हम लोग को नहीं पता होता है तो वो बता रहे, उसके लिए धन्यवाद जयंती भाई। ये देखो ये
ये ओरिजिनल है, इनको संभाल के रखा है पुराने 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 से पहले के दरबार है। यस, अभी अभी तो थोड़ा रिनोवेट हुआ है, बट पहले ऐसा दिखता था। सो यहाँ पे ये पूरा फर्नीचर जो पहले के ज़माने का है। सी दिस अमेजिंग। राजा जब छोटे थे तब, हाँ तब तब ये बकरे गाड़ी के साथ खेलते थे और इनके इनके ऊपर जाते थे। प्रागमल पुराना सब राजा के टाइम का फर्नीचर और ये सब अमेजिंग। दिस ये एक ट्रिब्यूट, लव का ट्रिब्यूट है महारानी प्रीति देवी का, तभी को उनके नाम एक उनके नाम का एक भव्य मंदिर और ये भव्य 51 शक्तिपीठ का स्मारक और जगह बनाया हुआ है उनके लिए, उनके नाम का। प्लेस का नाम है चावड़ा रखाल और वो ये आप अगर देख सकते हो, ये बहुत पुराना नहीं है बाय द वे, बहुत ही मतलब मैंने अपने बचपन में मेरी दादी नानी के टाइम पे देखा ये सब चीज़ें बहुत ही। सो सी आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रिटिश की रुपए की शुरुआत कैसे हुई और यहाँ पे हम नया पैसा आना, हम लोग कोड़ी आना बोलते थे वो ये है। कुछ इंटरेस्टिंग स्नैप यहाँ पे रखे हुए हैं और ये कॉइन्स 1 रुपी का नोट पहले ऐसा हुआ करता था 1917 और 13 USD आईने लगे हुए हैं यहाँ पर। किसी में आप छोटे लगोगे, किसी में बड़े लगोगे, किसी के हम पतले लगोगे। सी गाइस मेरे पीछे आप देखोगे ये है क्लॉक टावर, पूरा प्राग महल का क्लॉक टावर है ये। अभी इसकी हालत कुछ थोड़ा क्रैक हो गया है तो हम लोग को जाने नहीं मिलेगा अंदर, और भूकंप में थोड़ा अर्थक्वेक में थोड़ा वो यू नो हो गया था। पीछे आप देखे पूरा महल, इनका अभी काम चालू है पूरा महल का यहाँ पे, ऐसा कुछ है। और हम लोग जहाँ पे खड़े वहाँ से पूरा भुजिया डूंगर जो बोलते हैं वो यहाँ से दिखता है। सी सामने, वो सामने आपको दिख रहा है, हम लोग ने लास्ट व्लॉग में आपने देखा भुजिया डूंगर वो। सो गाइस बेसिकली हम लोग वहाँ से ऊपर आए थे और वहाँ से फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी गए थे। अभी यहाँ से हम लोग ने सेकंड फ्लोर से वही रास्ते से वापस आए और अभी यहाँ से हम लोग को नीचे जाना है। ये था प्राग महल, इसकी टिकट है 50 रुपये पर पर्सन। पार्किंग की सुविधा भी है, 2 व्हीलर के 10 रुपीज़, 4 व्हीलर के 40 रुपीज़, और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग की सुविधा पे। और कैफे वेफे कैफेटेरिया भी है, पर अभी मुझे नहीं लग रहा कि चलो कुछ नाश्ता वास्ता आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और हालांकि ये भुज के सिटी सेंटर में है तो खाना पीने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे। मेल अभी तो पूरा दिन 9 से 10 से 6 आसपास खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय, टाटा सून, प्लीज़ स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।